रूसी सेना के अड्डों पर रहस्य मिसाइल हमले इतने बड़े हैं कि वे 2.6 आयाम भूकंप के रूप में पंजीकृत हैं। यूके स्थित सीरियाई वैधशाला के लिए मानवाधिकारों ने कहा कि यह हमला इजरायल द्वारा किया गया प्रतीत होता है। सीरिया में सैन्य स्थलों पर मिसाइल हमलों ने भूकंप के रूप में पंजीकृत इतने शक्तिशाली विस्फोटों को उड़ा दिया। यह बताया गया था कि नए आक्रामकता ने युद्धग्रस्त देश के उत्तर में सेना चौकी को लक्षित किया था। राज्य टेलीविजन ने कहा कि ब्लिट्स रविवार को 7 बजे यूके समय पर हामा और अलेप्पो के शहरों के पास हुआ था। सेना के एक सूत्र ने कहा क्रिया को ग्रामीण हामा और अलेप्पो में कुछ सैन्य अड्डों के साथ एक नए आक्रामकता के संपर्क में लाया जा रहा है। यूरोपीय भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र EMSC ने विस्फोटों के बाद क्षेत्र में 2.60 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया। सीरिया युद्ध निगरानी समूह ने आज सुबह कहा कि रहस्य हमले में 26 समर्थक सरकारी सेनानियों, ज्यादातर ईरानियों की भी मौत हो गई। मानवाधिकारों के लिए ब्रिटेन स्थित सीरियाई वैधशाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह इजरायल द्वारा किया गया है। हमले ने उत्तरी सीरिया में एक आधार पर सतह से सतह मिसाइलों के लिए एक हथियार डिपो को 47वें रेजिमेंट के रूप में जाना जाता है। मौत की संख्या में वृद्धि हो सकती है क्योंकि हमले में 60 सेनानियों ने भी घायल हो गए और कई अन्य लोगों की याद आ रही है। इस महीने की शुरुआत में होम्स में हवाई अड्डे पर हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती तनाव के बीच कल रात के हमलों में आ गया है। सीरिया, ईरान और रूस ने उस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। इजराइल ने अभी तक इसकी पुष्टि या इनकार कर दिया है। तेहरान ने हजारों ईरानी सेनानियों को देश के 7 साल के गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर असद की सेना वापस भेजने के लिए भेजा है। सीरिया स्थित विपक्षी कार्यकर्ता मोहम्मद राशिद ने कहा कि हमले के तहत आने वाला आधार हामा शहर के बाहर लगभग 7 मील दूर है। उन्होंने कहा कि आधार लेबनान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ईरानी और ईरान समर्थित बैने से चलाया गया है।